नमस्कार, स्वागत है आपका दी पब्लिक न्यूज चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार इलेक्शन का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और बिहार इलेक्शन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी हुई है, एक दूसरे के साथ दाव पेच लगाने में लगी हुई है। लेकिन बिहार की राजनीति में आखिर कौन सी पार्टी आ गई है? डिफरेंट चैनल के ओपिनियन पोल जारी हो चुके हैं, अलग अलग चैनलों ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं। बिहार चुनाव से पहले 28 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं पहले चरण के, जिसके बाद बिहार चुनाव के अंदर पूरी तरह से गर्मी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के बीच रैलियों में भीड़ पर तेजस्वी ने कहा कि हाथ में डंडा तो नहीं ले सकते। यहीं पे तेजस्वी यादव की एक रैली के अंदर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके बाद से उन्होंने मौजूदा सेंटर सरकार को भीड़ जुटाने के बयान पे कहा कि हम डंडा लेकर खड़ा नहीं हो सकते, हम डंडा लेकर हर एक जो है हमारे समर्थक को नहीं हटा सकते, भीड़ को हम रोक नहीं सकते हैं। साथ ही हालत बेहतर ना होने पर चुनाव आगे कराने की बात भी कही थी, लेकिन अब चुनाव हो रहा है तो अब सरकार को ये जो लापरवाही देखनी ही होगी। 10 लाख नौकरी देने का वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव, कहा कि हमने झूठा वादा नहीं किया है, अगर वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। बिहार में 5 लाख सरकारी पद खाली है, हम सत्ता में आएंगे तो इन खाली पदों पर नियुक्तियाँ होगी, नौकरी को लेकर बजट में कोई कमी नहीं आएगी और साथ में कुछ पद खाली हो गए उन पर भी भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि 3 ओपिनियन पोल के सारे क्या कहते हैं। आखिर पहले ओपिनियन पोल के अंदर आपको बता दें कि इसके अंदर सीएम और कहां से बाजी मारेगा कौन उम्मीदवार, लेकिन टीवी चैनलों का ओपिनियन पोल आ गए हैं। अब तक के 3 टीवी चैनल एजेंसियों के ओपिनियन पोल में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, यानी टीवी चैनल ने ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़ावा दिया है क्योंकि एनडीए सेंटर में है, मगर मुकाबला काफ़ी टक्कर वाला दिख रहा है। आपको बता दें कि आज तक न्यूज चैनल ओपिनियन पोल, टाइम्स, नाउ सी वोटर बिहार ओपिनियन पोल और एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनते दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं इन 3 ओपिनियन पोल में और जान समझते हैं। जी हाँ, ओपिनियन पोल के अंदर आपको बता दें कि बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे एनडीए को 133 से 143 सीटें दिखाई गई है, वहीं पे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 88 से 100 सीटें दिखाई गई है। जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 से 6 सीटों पर ही विजयी दिखाया गया है। अन्य दलों को ओपिनियन पोल में 6 से 10 सीटें दी गई है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी बढ़ी है, मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को 31% लोग सबसे बेहतर मानते हैं, वही 27% लोग तेजस्वी यादव के साथ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नीतीश और तेजस्वी में 4% का ही अंतर है आज तक। और अन्य ओपिनियन पोल के मुताबिक 32% वोट मिलने की संभावनाएं जताई गई है तेजस्वी यादव के महागठबंधन को, वहीं पर 38% एनडीए महागठबंधन को संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए के जीत का अनुमान दिखाया गया है टाइम्स नाउ के द्वारा, और बाकी सीटें 76 सीटें आरडी के खाते में दिखाई गई है। वहीं पे सी वोटर की बात की जाए तो 160 सीटें, और वहीं पे अलग अलग ओपिनियन पोल, अगर एफपी न्यूज़ की बात की जाए तो एनडीए को 141 से 161 सीटें दिखाई गई है, वहीं पे 64 से 84 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में दिखाई गई है। लेकिन इन ओपिनियन पोल को यहां तक कि जनता ने भी विरोध किया है कि ये ओपिनियन पोल बिल्कुल गलत है, टीवी चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए या टीवी चैनल वाले पैसे लेकर ओपिनियन पोल दिखाते हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, जनता के वोट को डाइवर्ट किया जा सके। जो है हमारे चैनल के एक्सपर्ट ने भी यही कहा है कि बड़े से बड़े टीवी चैनल पैसा लेकर ओपिनियन पोल को डाइवर्ट करते हैं। सही ओपिनियन पोल यही है कि आरजेडी पार्टी को 140 से लेकर 155 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के अंदर प्राप्त हो रही है, वही 100 के आसपास सीटें एनडीए में गठबंधन को मिल रही है, और कुछ अन्य सीटें 5 से 6 सीटें चिराग पासवान में अन्य लोगों को दी जा रही है। आप क्या सोचते हैं हमारे ओपिनियन पोल के बारे में, कमेंट कर सकते हैं। जुड़ रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।